चाचा को लेकर क्या कहें, चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको, बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए, सरकार बनते ही अयोध्या, वहां पर 5 साल की बेटी के साथ जो घटना घटी है और उसके ताऊ को, परिवार के लोगों को इतना सदमा लगा कि उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई। क्या उस ब्राह्मण परिवार की बेटी का इलाज से लेकर उस परिवार की मदद करेगी सरकार? कानपुर में जिस तरीके से बैंकों में लूट हो रही है और बैंकों में रखी हुई तिजोरी जो वो जो है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय गाजियाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लॉकर्स थे वो लूट लिए गए। एक तरफ तो सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है, दूसरी तरफ ब्याज कम करके जो हमारे पैसे रखे थे उसकी लूट हो रही है, और अब लॉकर में लूट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे और लूट कब बंद होगी? कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही हो? नींबू के लिए डकैती बुंदेलखंड में 5-5 हजार उसकी लूट हो गई। यही छिवरामऊ, यही कन्नौज में एक फौजी के घर में लूट हो गई। मैनपुरी में भी लूट हुई होगी, आपके बगल के जिले में बताइए फरीदाबाद में सराफे व्यापारी को गोली लगी कि नहीं लगी? अभी सुनने में आया कि एक पुलिस का अधिकारी जेलर किसी से मिलने के लिए उनके परिवार के साथ क्या व्यवहार कर रहा था जेलर। यही एटा, एक दरोगा ने एक महिला थी उसके पति को डरा करके धमका कर उस महिला से संबंध बना लिए, वो दरोगा जेल में है, IPS अभी भी फरार है। बहुत जल्दी है इस समय चाचा को लेकर क्या कहें, चाचा को लेकर क्या कहें, चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं। नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको, बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं।